नमस्कार, जय भूमि पुत्र लाइव न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आरती सीबी। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। ज्योतिष और द्वारका पीठ के शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती ने सरसिंहपुर स्थित अपने परमहंसी गंगा आश्रम में मीडिया से बात करते हुए अयोध्या राम मंदिर पर एक बार फिर शंकराचार्य ने कहा कि मंदिर सरकारी पैसे से नहीं बल्कि भक्तों के पैसे से बनना चाहिए। सरकारी पैसा शराब और गौमांस निर्यात आदि का होता है जो दूषित होता है, इसलिए उस पैसे से राम मंदिर नहीं बनना चाहिए। राम मंदिर जब बनना है तो सरकार उसको नहीं बना सकती, क्योंकि सरकार धर्मनिरपेक्ष होती है। धर्मनिरपेक्ष सरकार कोई मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा नहीं बना सकती। ऐसी स्थिति में धर्माचारी ही बनाएंगे। धर्माचारियों का जब पहले से ही ट्रस्ट रजिस्टर्ड हो चुका है तो ये उसका दावा बनता है। उसके अनुसार हम लोगों ने, हमारे शिष्य हैं जो इस संस्था के सचिव हैं अनुमुक्तेश्वरानंद सरस्वती, उन्होंने गृह मंत्रालय को, राष्ट्रपति को अपना दावा दे दिया है और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिल्ली में वो बोल भी दिया है। तो हम लोग प्रतीक्षा रहते हैं। हाँ, वो सब आपको मिल जाएगी। तो ऐसी स्थिति में हम लोग ये और भी चाहते हैं कि हम लोग नहीं चाहते कि सरकारी पैसे से मंदिर बने, क्योंकि सरकारी पैसे में सभी धर्म के लोगों से टैक्स में वसूल किया जाता है। वो सबके सब राम भक्त नहीं है। इसलिए तो जो सरकार है उसके पास शराब बेचने का पैसा है, वो जो गोमांस का निर्यात कर रही है तो गोमांस के निर्यात का जो पैसा है वो इतना दूषित है कि उससे राम मंदिर नहीं बनना चाहिए। हमारा मत है। गोटे गांव से ब्यूरो रिपोर्ट।